बिहार नहीं पूरे भारत में एक रिकॉर्ड होगा कि एक परिवार से एक माँ बाप की 7 बेटी सरकारी जॉब में। ये सारी दीदी लोग मतलब कि पूरा छपरा में सारण में सिंह सिस्टर के नाम से फेमस हैं। गाँव के लोग तो मतलब कि आश्चर्य कर रहे होंगे, आश्चर्य में होंगे, एक घर से इतने सारे सरकारी जॉब कैसे। लोग कहेला कि घूस देले बवेलो ऐसे भइलबा वैसे, मगर दू गो लड़कियां भइली आ एक बार दू गो नौकरी एक संगे। जुड़वा बेटी हुई थी वैसे ही जुड़वा नौकरी हुई, यानी दरवाजे पर एक दो आदमी जरूर चले आते हैं कि ये बताओ कि किसको कितना पैसा देकर और अपने बेटी को जॉब में लगाया। नहीं, तुम्हारा बहुत ज्यादा लिंक है। हाँ, अब ये आप ही बताइए कि एक चौकी चलाने वाला का यानी भी इतना कहाँ से। आप आटा चक्की चलाते हैं? अभी आज भी चलाते हैं। और पापा जी ने तो मतलब अपना पूरा दे ही दिया, कुछ फिक्स डिपॉजिट रखा नहीं, लेकिन वही है रिटर्न्स में यही मिला कि एक मार्केट में ही 4 तला बिल्डिंग जो है दीदी लोगों ने बनवाया। और 7 बेटियों ने पापा के लिए एक मार्केट में बिल्डिंग बनवाया, मतलब दीदियों ने बनवाया और बोला कि आइंदा मतलब पापा जी और माँ को किसी के सामने झुकना ना पड़े, बुढ़ापे का पेंशन के रूप में ये गिफ्ट किया और बोले कि ये जितने भी रेंट थे ये रेंट पे दिया गया और जितने भी रेंट से पैसा थे सब पापा जी और माँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सिंह सिस्टर्स करके लिखा हुआ है। जो भी लोग बोलते हैं बेटी टेंशन है तो ये बुढ़ापे का पेंशन है, तो ये बुढ़ापे का पेंशन है और बेटी बराबर टेंशन नहीं है। माने दमाद लो पैसा दे, माने कोनो ऐसन बीमारी भइल चाहे कोनो ऐसन काम भइल तो दमाद लो दी लो कि ना दी लो, तो पापा जी के तो हमारा सर्विस नहीं क्या, पापा जी हमारा के हाथ ना कोई ले बनी तो उनका खातिर तो कुछ करे के चाहिए। हमारा घर के पहले बेटिए संभाल ले बनी, बाप संभाल दे ले बनी, ओकरा बाद में बेटी भइल बनी। ये अभी बिहार का सारण जिला है, तो एक माता पिता है जिनकी 7 बेटी और एक बेटा है, और 7 बेटी आपके पुलिस में काम कर रहे हैं, पुलिस में जॉब कर रहे हैं, जिस समय आपको 7 बेटी और एक बेटा है उस समय एक कमरे का घर था आपका। अभी ये जो घर बनाए हैं बेटी का ही जी, बेटी लोगों ने घर बनवाया है। और देखिए ये घर बेटा ने नहीं बल्कि बेटी ने बनवाया है। और जो लोग बेटा और बेटी में फर्क करते हैं उनके लिए ये माँ और पिता एक मिसाल है। मोदी जी कह रहे हैं कि ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम कहने की उनका के कह के दिखाए। असल में बेटियों का ब्रांड एम्बेसडर जो होना चाहिए, ऐसे माता पिता को ही होना चाहिए जो असल में बेटी को पढ़ाया भी और बेटी को आगे बढ़ाया भी, और एक मिसाल दिए हैं कि बेटी को बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना किस तरीके से होता है। और जब बेटियों को आप अच्छे से पढ़ाइएगा तो आपको ना दहेज के लिए 1 रुपया जमा करना पड़ेगा, फिर दहेज भी देना पड़ेगा। क्या ये नु बहुत बेजाय बात हो क्या? अरे बेटा वाला तो कहला जे कितना दिन से जॉब कर रही है, तो हम कहें जे 2-3 साल से, तो 1 साल में यानी 7 लाख, तो 3 साल में 17 लाख पहले रुपया हमारे को दी। अब क्या लगता है? अब क्या लगता है? हम तो यही कहते हैं कि ये जो हम तो देवे कोई लो अभी लोग जन्मे जन्म हमारे के 7 गो बेटी तो बहुत रहे लोग तब तक मजबूर तो हमने रख ले रहे के ताना सिया। अभी देखिए माँ भी थी बाबू हो गई, ये मेरा दिन वह बेटी हमारा के दिखाऊ। 8 बेटियों के माता पिता हैं ये दोनों, और जब 2 बेटी हुई शुरुआत में तो इनके पैतृक गांव से इन्हें निकाल दिया गया ताना मार करके कि 2 बेटी हो चुकी है, रहने नहीं दिया गया वहां पे, और वहां से मजबूर हो करके शहर में आके इनको रहना पड़ा। उसके बाद 6 बेटी और हुई और लोगों का ताना और बढ़ते गया। 7 बेटियों ने इनको एक ये घर भी बनवाया है और एक शहर में और 4 तल्ले का घर अपने माँ बाप को गिफ्ट में दिया है। और पिता आपका नाम क्या है चाचा, थोड़ा सा बताओ। हमारा नाम कोमल सिंह। और चाची आपका नाम? शारदा देवी। शारदा देवी और कमल सिंह को जब 2 बेटी हुई थी तो यही इनके पैतृक गांव में इनके घर के लोग, घर के आसपास के लोग इनको रहने नहीं दिए कि बेटी हो रही है और बेटा बेटी में जो फर्क किया जा रहा था इन लोगों के साथ कोई साथ नहीं दिया जाता, लेकिन हमका कहना कि महादेव इनके साथ थे और उनके आशीर्वाद से आज 8 में से 7 बेटी सरकारी जॉब में है और एक बेटी आपकी मृत्यु हो गई। नहीं तो वाकई में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र पड़ती है वीडियो के माध्यम से और प्रधानमंत्री तक अगर जाती है वीडियो, तो ऐसे माँ बाप को
असल में ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। जो लोग बेटी होते ही ये कहने लगते हैं कि दहेज के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, उनके लिए क्या दहेज के नाम पे? जो दहेज हम लोग क्या दिए, दहेज के रूप में उन लोगों को पढ़ाई में लगा दिए। अभी हमारे साथ राजीव है जो सात बहनों के भाई है। राजीव अपनी बहनों के बारे में बताइए। वाली दीदी सब तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी, लेकिन बाद के दीदी सब और मुझे जैसे चार दीदी और मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े लोग। जैसे जैसे स्थिति सुधरते गई और हम लोग पढ़ते गए और वही पापा जी की मेहनत लगन मतलब और दीदी लोग की पढ़ाई जो 2008 में पहली मेरी सिस्टर का रेणु कुमारी का एसएस में जॉब हुआ, अगस्त में जब ज्वाइनिंग लेट आया तो खुशी का माहौल हुआ। ये पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में एक रिकॉर्ड होगा कि एक परिवार से एक माँ बाप की सात बेटी सरकारी जॉब में, रिकॉर्ड ही होगा। आपको क्या लगता है? मतलब रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से एक राजस्थान की परिवार है जिसमें सात बहने हैं हाँ। और सातों गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद दूसरा है मैं अपने फैमिली के बाद खुशी की बात है कि आज आ पाए और कल रात में ही मेरी एक दीदी का प्रमोशन हुआ और वो एएसआई बन गई, बिहार एक्साइज एएसआई। सारी दीदी लोग मतलब कि पूरा छपरा में सारण में सिंह सिस्टर के नाम से फेमस है। कौन से सिस्टर? सिंह सिस्टर। सिंह सिस्टर्स जी। इसकी क्या कहानी है चाचा बताइए? एक और कहानी क्या बतावे के बाद हाँ। सिंह सिस्टर यानी राजपूत, राजपूत की बहन सिंह, राजपूतों की बहन और राजपूतों की बहन सिंह सिस्टर। अच्छा। से नाम से जानी जाती। सारे दीदी सबका जॉब हुआ तो ऐसे ही मीडिया वाले आए, सबसे पहले आज तक न्यूज वाले आए तो उन्होंने बोला कि आप लोग कुछ मतलब अपने आप को टैग देना चाहेंगी, तो दीदी ने बोला कि हम लोग सिंह सिस्टर्स के नाम से ही जाने जाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं बीटेक कंप्लीट किया हूं और बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूं। गांव के लोग तो मतलब कि आश्चर्य कर रहे होंगे, आश्चर्य में होंगे चाची कि एक घर से इतने सारे सरकारी जॉब कैसे। असल बहुत लोग कहेला कि घूस दिले बाबे लो ऐसे भैल बा वैसे ना कोनो घूस दिले बानी ना हमारा कोनो लिंक रहे, सब भोला बाबा के कृपा रहे सब एक एक अपनी एक बार दू गो लड़किया भैली एक बार दू गो नौकरी एक संगे। अरे वाह। हाँ एक संगे मतलब जैसे जुड़वा जैसे जुड़वा बेटी हुई थी वैसे ही जुड़वा नौकरी हुई। ना लोग यानी दरवाजे पर एक दो आदमी जरूर चले आते हैं कि ये बताओ हाँ। कि किसको कितना पैसा देकर और अपने बेटी को जॉब में लगाया, तो एक पैसा हमको घुस नहीं लगा तो कैसे हुआ? हम कहें कि अपने पहुँच के और शरीर के बल पर रिटेन और फिजिकल निकल गया, नौकरी हो गया। तो नहीं तुम्हारा बहुत ज्यादा लिंक है। अब ये रोगे बताइए, आप ही बताइए कि एक चक्की चलाने वाला का यानी फिर भी इतना कहाँ से? आप आटा चक्की चलाते हैं? अभी आज भी चलाते हैं। अभी भी चलाते हैं हाँ। और लोगों को लगता है कि लिंक बहुत है आपका। सातों बेटियों के नाम बताइए आप चाची। सबसे पहले नीतू कुमारी इंस्पायर कर गई। अच्छा अच्छा। उस पर से रानी कुमारी, ऊपर से रेणु कुमारी, ऊपर से सोनू कुमारी, रिंकी पिंकी। रिंकी पिंकी जो जुड़वा है? जुड़वा है। अच्छा, रिंकी पिंकी ऐसे कहते हैं उसमें छोटी बड़ी। छोटी बड़ी छोटी बड़ी। आ सबसे छोटी है सोनामी राजीव और बेटा राजीव। स्टार्टिंग दौर में जब गया था बीटेक करने तो हाँ। मेरी दो ही सिस्टर जॉब में थी, लोग भी मतलब काफ़ी हेल्प किए थे और पापा जी ने तो मतलब अपना पूरा दे ही दिया, कुछ फिक्स डिपॉजिट रखा नहीं। लेकिन वही है रिटर्न्स में यही मिला कि एक मार्केट में चार तरह बिल्डिंग जो है दीदी लोगों ने बनाया और बोला कि ये पापा जी के लिए मतलब रेंट रहेगा और जितना भी रेंट रहेगा। सात बेटियों ने पापा के लिए हाँ। एक मार्केट में बिल्डिंग बनवाई जी। ये जो घर है यही घर सात बेटियों ने अपने पापा को और माँ को गिफ्ट में दिया है बनवा करके। और एक उनके भाई हमारे साथ हैं अभी। हाँ तो राजीव क्या बता रहे थे बताइए? ये मतलब दीदियों ने बनवाया और बोला कि हाँ। आइंदा मतलब पापा जी और माँ को किसी के सामने झुकना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। एक तरीके से जो पेंशन होता है बुढ़ापे का, पेंशन बुढ़ापे का पेंशन के रूप में हाँ। ये गिफ्ट किया और बोले कि ये जितने भी रेंट थे ये रेंट पे दिया गया और जितने भी रेंट से पैसा थे सब पापा जी और माँ। और यहाँ पे आप दिखा रहे थे बेटी अपनी बहन का नाम, थोड़ा सा और दिखाते हैं देखने वालों को भी दिखाएं कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंह सिस्टर्स करके लिखा हुआ है
और आप नाम बताते जाइए कि एक एक करके। ये सिंह सिस्टर्स पैलेस, हाँ, ये पापा ने इन्हें नाम इसका दिया घर का, जो कि ये इसका एड्रेस है स्टेट बैंक रोड इकमा सारण। हाँ, हाँ, सबसे बड़ी दीदी रानी कुमारी सिंह, हाँ, बिहार पुलिस। हाँ, रेनू कुमारी सिंह एसएसबी। हाँ, सोनी कुमारी सिंह सीआरपीएफ। कुमारी प्रीति सिंह क्राइम ब्रांच बिहार पुलिस। हाँ, कुमारी पिंकी सिंह एक्साइज पुलिस। हाँ, जिनको कल प्रमोट करके एज ए कॉन्स्टेबल से एएसआई बना लिया गया है। अच्छा। और कुमारी रिंकी सिंह बिहार पुलिस। हाँ, और कुमारी ननी सिंह जीआरपी। ब्लेस ऑफ पापा जी का नाम राजकुमार सिंह। हाँ, उर्फ कमल सिंह। हाँ, शारदा देवी राजीव कुमार सिंह उर्फ नीलकमल। ये आपका नाम है राजीव कुमार सिंह। हाँ, राजीव कुमार सिंह उर्फ नीलकमल। ऐसा कभी हुआ है पूरे भारत में कि बेटियों ने एक पिता को माँ को गिफ्ट किया हो घर? हाँ, बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरे नज़र में ये तो सुपर हीरो के वाला ही फीलिंग आती है। हाँ? कि मेरे से पहले अक्सर बेटा ऐसा करते हैं, नहीं भी करते हैं। हाँ, अक्सर पेपर में अखबार में खबर छपती है, टीवी पे न्यूज आती है कि बुजुर्ग माँ बाप को बेटा हो मतलब अनाथ आश्रम में छोड़ दिए। हाँ? नहीं तो वही मतलब उसी सब के डर से कि कौन फैमिली कैसा रहेगा। हाँ? और आगे वो भी शादी होने के बाद हेल्प कर पाएंगे या नहीं, तो पिताजी को इधर उधर भटकना ना पड़े, तो इसलिए ये बिल्डिंग ही दिए। और इस ये पूरी बिल्डिंग रेंट पे है। हाँ? और इससे जो भी इनकम आती है वो पापा जी और माँ के अकाउंट में जाता है। बुढ़ापे का पेंशन? बुढ़ापे का पेंशन है। अगर बेटी बेटी को पढ़ाया जाए और बेटी को बोझ ना बना करके बेटी के लिए जो दहेज के पैसा जमा करते हैं बेटी को लिए, बेटी को पढ़ाने के बजाय, और उन्हें पढ़ा दिया जाए उसी मतलब पैसे से। जो भी लोग बोलते हैं बेटी टेंशन है, तो ये बुढ़ापे का पेंशन है। तो ये बुढ़ापे का पेंशन है, और बेटी हाँ। बराबर टेंशन नहीं है, टेन अलग कीजिए और सन अलग कीजिए, मतलब हाँ। 10 बेटों के बराबर है। हाँ, 10 बेटों के बराबर है। तो आप देख सकते हैं ये इकमा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और ये 4 तल्ले का घर, ये अपने आप में अजूबा है कि बेटियों ने अपने पापा को गिफ्ट किया है। और जो यहाँ पे दिखाने आए हैं उनके सबसे छोटे भाई, और ये रेंट पे है। शानदार घर बेटियों ने अपने माँ बाप को गिफ्ट किया है, ये कहानी अपने आप में अजूबा है। जी, 4 तल्ला बिल्डिंग बनवाया। हाँ, शादी के बाद माने दमाद लो पैसा दिल, माने कोनो ऐसन बीमारी भइल चाहे कोनो ऐसन काम भइल, तो दमाद लो दही लो कि ना दही लो, तो पापा जी के तो हमारा सर्विस नहीं क्या, पापा जी हमारा के हाथ ना कोई बनी, तो उनका खातिर तो कुछ करे के चाहिए। अक्सर होता है कि बेटा परिवार संभालता है, लेकिन जब बेटियों की बारी आती है, हमारा घर के पहले बेटिए संभाल ले बने। हाँ, बाप संभाल दे ले बनी, ओकरा बाद में बेटी भइल बने लो, तो अब ना आई बारे। आपने से कितनी बेटियों की शादी कर ली है आपने? 8 में से 4 बेटी का शादी हुआ है, 4 बेटी हो चुकी है, 4 अभी शादी नहीं की है। हाँ, तो बताइए। मेरी 8 सिस्टर हैं, जिसमें सबसे बड़ी वाली सिस्टर 2008 में ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई, और शायद वो होती तो आज 7 की जगह 8 दीदी लोग का जॉब होता। पहला दीदी का हुआ, उसके बाद से घर का एक टारगेट ही बन गया था कि जॉब ही करना। इसका हो गया, तुम्हारी बारी है। और तुम्हारी बारी है, मतलब किसी हालात में लेनी है। और सबसे मतलब लकी ये रहा कि कोई ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरा है। कि मतलब स्टार्टिंग सबसे बड़ी वाली दीदी एक ही एसएसबी का एक ही फॉर्म डाली और उनका हुआ। फिर दूसरी वाली सोनी कुमारी दीदी जो है, तो उन्होंने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ का डाला, और दोनों में ही ज्वाइनिंग आया। बट सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग जो था 8 दिन लेट आया, और सीआरपीएफ में उस टाइम वो ज्वाइन कर चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं जॉब रिजाइन नहीं करूँगी। उनसे छोटी है कुमारी। और ये सिलसिला 2009 से शुरू हुई? ये सिलसिला 2009 से शुरू हुई जॉब लगने की, और 2018 में जाके खत्म हुई। 2018 में एक ही साथ 2 दीदी का जॉब हुआ, और वहीं पर सारे लोग मतलब सेटल हो गए। और ये जो मुस्कान है, कभी ये मुस्कान कभी ताना सुन सुन के रुआई भी आता है, कभी आधा पेट खाना खा करके। हाँ, क्योंकि एक ही कमाने वाले जी। और क्या काम, आटा चक्की से कितनी कमाई होती होगी? कुछ ज़्यादा तो होती नहीं होगी। हाँ, कितनी कमाई होती थी उस वक्त? कमाई उतना ही होता था जितना कि हम लोग खूब खा बिल्कुल मस्त हो जाते थे, और लड़कियों और लड़के को पढ़ने के लिए पैसा, बस इतना ही। बेटियों ने आपको घर गिफ्ट दिया 4 तल्ले का, आज बेटा नहीं करता ऐसा, सच्चाई है। अब देखिए, जब घर बनता है चाचा, तो क्या होता है, 4 बेटा या 5 बेटा या 3 बेटा 2 बेटा है, तो 2 रूम
एक गेस्ट रूम, तीन रूम बनता है और माँ बाप के लिए एक रूम नहीं होता। सच्चाई सच्चाई, लेकिन आपकी बेटियों ने आपको चार तल्ले का मकान गिफ्ट में दिया। तो अभी आप देख रहे थे भारत प्राइम फेसबुक और यूट्यूब पे। जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और फेसबुक पे जुड़े थे तो वो लोग फॉलो कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं, और हर गली मोहल्ले में एक जांच केंद्र होता है जो ये बताने के लिए खोला जाता है कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी, और बेटी होती है तो गर्भ में ही मारने का वो पूरा एक सिस्टम इकोसिस्टम बना के रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे सिस्टम को भी बंद होना चाहिए।